हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं CBSE बोर्ड के, ICSE बोर्ड के, और बहुत से ऐसे बोर्ड्स हैं जिनके एग्ज़ाम्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे पेरेंट्स जो 10th क्लास के बाद 11th क्लास में अपने बच्चों को कोटा लेकर आना चाहते हैं, आज का ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ ताकि वाइब्रेंट एकेडमी में जो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स बच्चों का जो कोर्स है उसके बारे में उन पेरेंट्स को घर बैठे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिसके लिए वो कंटिन्यूसली इंस्टीट्यूट में फ़ोन करते हैं और कई ऐसी चीज़ें उनसे मिस हो जाती हैं जो फ़ोन में वो नहीं कर पाते हैं। तो आज का ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो कोटा आना चाहते हैं 10वीं क्लास के बाद 11th क्लास में। वाइब्रेंट एकेडमी का जो कोर्स है 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स का, उसको माइक्रो कोर्स के नाम से जाना जाता है। ये जो कोर्स है ये 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। इसमें जो टीचिंग का मोड होगा वो ऑफलाइन होगा एंड साथ साथ ये ऑनलाइन भी होगा, यानी जो बच्चे किसी वजह से कोटा नहीं आ सकते हैं उन बच्चों के लिए ये कोर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। ये जो कोर्स है IIT के कोर्स को, इसको JEE मेंस प्लस एडवांस बोलते हैं। ये जो कोर्स है 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एक हमारा बैच 22 जून से भी स्टार्ट होगा। तो इस बैच में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। ये एंट्रेंस टेस्ट स्कॉलर, जिसे हम VSET के नाम से जानते हैं, वाइब्रेंट स्कॉलरशिप कम एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जो बच्चे वाइब्रेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं 11th क्लास में, उन बच्चों को VSET एग्जाम जो है देना होगा। आइए देखते हैं कि VSET एग्जाम में वो किस तरीके से अपीयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वाइब्रेंट के VSET रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है। वहां पर जाकर आप हमारी जो वेबसाइट है www.vibrantacademy.com, उसमें जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वो बच्चे जो कोटा में आकर टेस्ट देना चाहते हैं या कोटा में ही हैं तो वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। हमारे जो ऑफिस में आकर रिसेप्शन पे मिलकर, फ्रंट ऑफिस में मिलकर ये ऑफलाइन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में हो रहा है, यानी जो बच्चे कहीं बाहर हैं और वो ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं एंट्रेंस के लिए तो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं वो बच्चे ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। हमारे कई सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, डिफरेंट स्टेट्स में, तो किसी भी सेंटर पे हमारी वेबसाइट पे लिस्ट दी हुई है, उस सेंटर पे जाके वो ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो टेस्ट है ये कैसा टेस्ट है, मतलब इस पे क्या इसका सिलेबस होने वाला है, इसका क्या टेस्ट पैटर्न है, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये जो टेस्ट होता है ये टेस्ट जो है 2 घंटे का होता है। इसमें आपका जो सिलेबस होता है वो सिलेबस NCERT का, जो भी आपने 9th और 10th क्लास में जो भी आपने पढ़ा हुआ है सिलेबस वहीं से आता है, वहीं से पेपर उसी तरीके से सिलेबस के ऊपर बेस पेपर बनता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर आप बात कर लें तो अगर 2 घंटे का पेपर है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन का पेपर होता है, जिसमें अगर हम देखें तो मैथ्स जो है इसमें 24 क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री 24 क्वेश्चन हैं, मेंटल एबिलिटी के 12 क्वेश्चन है, इस तरीके से मिला के 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये जो टेस्ट है ये टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो अगर हम किस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो उसमें हमारे -1 मार्क हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये टेस्ट का जो रिजल्ट है ये किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, जो टेस्ट का रिजल्ट है इसमें हम आपको मैसेज देंगे, जो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं उन बच्चों को इंस्टेंट जो है टेस्ट के बाद उनको मैसेज वहीं का वहीं मिल जाएगा। ऑफलाइन जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनको हम यहाँ से मैसेज देंगे, हमारी तरफ से उन बच्चों को कॉल भी आएगी, उनका उनका क्या सिलेक्शन है, क्या स्कॉलरशिप मिल रही है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है उनको ऑफलाइन फ़ोन करके भी इन्फॉर्म किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये जो टेस्ट है, एक चीज बताना मैं भूल गया कि इस टेस्ट में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, यानी
जीरो से लेके 90% तक स्कॉलरशिप आप इस टेस्ट के बेसिस पे आप अवेल कर सकते हो। अब आती है कि फीस सबमिशन हम किस तरीके से करेंगे। तो फीस सबमिशन करने के लिए जैसे आप टेस्ट क्वालिफाई हो गए, अब आपको 1 जून वाला बैच या 22 जून वाला बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो फीस जो है आप हमारी वेबसाइट पर जाके वहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, या अगर आप कोटा आ रहे हो तो कोटा में भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कोटा में आके डायरेक्टली चेक सबमिट कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हो, आप ऑनलाइन के भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी अब आ जाता है कि जनरली क्या है, कुछ जनरल क्वेरीज होती हैं पेरेंट्स के मन में, और कई बार क्या होता है जब वो पर्सनली विजिट करते हैं तो कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उनके दिमाग से निकल जाते हैं। तो आज का वीडियो मैं ऐसी चीज को ध्यान में रख के बना रहा हूँ कि जनरली जो पेरेंट्स जब हमारे पास में आते हैं तो उनके दिमाग में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं वो पूछते हैं कि भाई कौन पढ़ाने वाला है, यानी टीचर कौन होने वाला है। तो अगर आप वाइब्रेंट की बात करेंगे, इस माइक्रो कोर्स की बात करेंगे, तो हम बता दें वाइब्रेंट एकेडमी के जो माइक्रो कोर्स है इसको हमारे यहाँ के डायरेक्टर्स पढ़ाते हैं। वाइब्रेंट एकेडमी के डायरेक्टर्स के बारे में शायद आप जानते होंगे, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। वाइब्रेंट एकेडमी में 7 डायरेक्टर्स हैं। मैं सब्जेक्ट वाइज इनको बाइफरकेट करता हूँ। फिजिक्स सब्जेक्ट में जो हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर नितिन जैन एंड मिस्टर नीलकमल सेठिया, और ये फिजिक्स सब्जेक्ट के HOD भी हैं। केमिस्ट्री, 3 केमिस्ट्रीज होती हैं IIT प्रिपरेशन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका नाम है मिस्टर महेंद्र सिंह चौहान। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका नाम है मिस्टर VK जायसवाल। फिजिकल केमिस्ट्री में जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका नाम है मिस्टर नरेंद्र अवस्थी। उसी तरीके से मैथ्स में जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका नाम है मिस्टर विकास गुप्ता एंड मिस्टर पंकज जोशी। ये सारे के सारे सातों लोग इस वाइब्रेंट के डायरेक्टर भी हैं, साथ साथ ये सब्जेक्ट्स के HODs भी हैं। यानी जो भी एक्टिविटी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक वाइब्रेंट पे हो रही है सब कुछ इनके सुपरविजन में ही होती है। तो माइक्रो कोर्स में जो हमारे डायरेक्टर्स पढ़ाने वाले हैं, साथ साथ हमारे यहाँ के जो सीनियर फैकल्टीज हैं, ये सीनियर फैकल्टीज भी बहुत समय से वाइब्रेंट के साथ में है, 2011 से 2012 से, तो वो सीनियर फैकल्टीज भी इस बैच में पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी क्लासेस लेंगे, है ना। मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूँ, शायद मेरे ख्याल से आपको जो बच्चे थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह पे एक्टिव रहते हैं तो शायद जानते हों। फिजिक्स में है मिस्टर शैलेंद्र सहाय सक्सेना, जो SSS सर के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्रीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिस्टर राहुल पारिक, RP सर के नाम से जानते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिस्टर धीरेन्द्र सिंह, DS सर के नाम से जाने जाते हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। मिस्टर नवनीत भार्गव फिजिकल केमिस्ट्री में, ये भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ये 2013 से वाइब्रेंट एकेडमी के साथ में है। उसी तरीके से मैथ्स में सुदर्शन वैरागी सर, SB सर के नाम से जानते हैं। तो ये सारी फैकल्टीज जो है वाइब्रेंट एकेडमी का जो माइक्रो बैच है जो कि 1 जून से स्टार्ट हो रहा है एंड 22 जून से स्टार्ट हो रहा है, ये सारे लोग मिलके इस बैच को लेंगे। आइए कुछ जनरल क्वेरीज देते हैं। जनरली स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि ये जो आपका माइक्रो कोर्स है उसमें प्रिपरेशन किस चीज की कराई जाती है, तो मैं बता देता हूं। आप IIT प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं तो IIT प्रिपरेशन करने के लिए आपको JEE मेंस एंड JEE एडवांस दोनों की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। यानी हमारा जो माइक्रो बैच है उसमें कंप्लीट JEE मेंस की एंड JEE एडवांस की दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। सब्जेक्ट्स जनरली जो IIT प्रिपरेशन के लिए सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एक तो होता है मैथ्स, दूसरा होता है फिजिक्स और तीसरा होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो होती है आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इस प्रिपरेशन के दौरान में ये सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई क्लास का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। तो क्लास का ड्यूरेशन जो है, एक क्लास हमारी 1.5 घंटे की होती है, यानी 90 मिनट्स की होती है। कई बच्चे पूछते हैं कि भाई हम 11th एंड 12th में
यहाँ पे रहने वाले हैं तो उस दौरान क्या बोर्ड की प्रिपरेशन होगी, तो मैं आपको मैं बता देता हूँ। ये जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन में जब बच्चा 12th क्लास में होता है तो कंप्लीट बोर्ड की प्रिपरेशन भी इसकी यहाँ पे हो जाती है ना। बोर्ड में जैसे आपका सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आपके साथ साथ चल ही रहे, साथ साथ एक सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, इंग्लिश की प्रिपरेशन भी कम्प्लीटली जो है बच्चे की यहाँ पे करा दी जाती है, ताकि वो उसके बोर्ड में भी अच्छा परसेंट स्कोर कर सके। जैसे कि आपको पता है IIT में जो बेसिक बोर्ड में जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है, मिनिमम 75% मार्क्स जनरली होने चाहिए आपके, है ना। तो उसको ध्यान में रख के यहाँ पे हम बोर्ड की प्रिपरेशन भी कंप्लीट करा देते हैं। फिर बच्चे पूछते हैं टेस्ट टेस्ट होते हैं या नहीं होते हैं, तो हम आपको बता देते हैं। हम यहाँ पे आपको कंप्लीटली IIT में जिस तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं, IIT में जो टेस्ट होता है आपका JEE मेंस के ऊपर एंड JEE एडवांस के ऊपर बेस्ड टेस्ट होता है, उस तरीके के आपके टेस्ट लिए जाएंगे, कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं टेस्ट, है ना। उसके बाद जब हम आपका आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम एक रिवीजन प्रोग्राम कराते हैं जिसे IRP बोलते हैं, उस पर कंटिन्यूअसली टेस्ट ही टेस्ट होते हैं, टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद डिस्कशन होगा, है ना, ये सारी चीजें चलती है। ये जो टेस्ट है, जैसे JEE मेंस की बात करें तो JEE मेंस का जो टेस्ट होता है वो 3 घंटे का होता है। उसी तरीके से जो JEE एडवांस के टेस्ट होंगे आपके, उसमें 3-3 घंटे के 2 पेपर्स होते हैं। बिल्कुल बता दिया मैंने, बोर्ड प्रिपरेशन जरूर कराई जाती है यहाँ पे। उसके अलावा जो हमारे जो टेस्ट में जो परफॉर्मेंस आता है, उसको हम कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक चीज तो आपको हम SMS के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। उसके अलावा आपका जो परफॉर्मेंस है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, वहाँ पे स्टूडेंट एरिया होता है, वहाँ पे अपना रोल नंबर आप डालोगे तो अपना परफॉर्मेंस वहाँ पे देख सकते हो। साथ साथ क्या, जब बच्चा टेस्ट देता है, ऑनलाइन टेस्ट दे रहा होता है, तो ऑनलाइन टेस्ट देने के साथ साथ ही जो है उसका परफॉर्मेंस फौरन भी डिस्प्ले हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी, जनरल क्वेरीज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए अब जानते हैं कि वाइब्रेंट एकेडमी में जो बच्चा माइक्रो एडवांस माइक्रो बैच में जब एडमिशन लेगा, तो कई क्वेरीज ऐसी भी आती हैं पेरेंट्स को कि वो जानना चाहते हैं कि भाई आपके क्लासरूम कैसे हैं। तो हम बता देते हैं, वाइब्रेंट एकेडमी के जो क्लासरूम्स हैं वो बहुत ही, जिसे बोलोगे, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे से बने हुए हैं, और ये सारे क्लासरूम जो हैं AC, कंप्लीटली AC क्लासरूम्स हैं। उसके अलावा ये जो जिस पे प्रिपरेशन कराई जाएगी इन बच्चों की, जो बोर्ड यूज किया जाएगा, प्रॉपर व्हाइट बोर्ड होता है, साथ साथ क्या है हमारे पास में डिजिटल बोर्ड भी है, जहां पे बच्चों को हम जो हमारे टीचर्स हैं इन बोर्ड्स पे क्लासेस देते हैं। जो बेंचेस हैं वुडन वेरी कंफर्टेबल बेंचेस हैं, जो आपको एक प्रॉपर स्लोप पे दी हुई, यानी लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा हुआ है उसको सारी चीजें बहुत आसानी से दिखेंगी। क्लासेस जो है टीचर जब लेते हैं तो वो साथ में माइक लगा होता है उनके, एंड स्पीकर्स लगे हुए हैं हमारे क्लासरूम में, यानी जो जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो हर एक चीज बच्चे को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से सुनाई पड़ती है, क्योंकि स्पीकर्स लगे हुए हैं। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जनरली तो बच्चे सारी की सारी क्लासेस अटेंड कर लें, कई बार क्या होता है अगर किसी बच्चे की कहीं कोई तबीयत खराब हो गई या कोई ऐसा एक्सरसाइज रीजन हो गया जिसकी वजह से वो उसकी क्लास मिस हो गई, तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ की जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड भी हो रही होती है, तो हम अगर कहीं किसी वजह से उसकी क्लासेस मिस हो गई तो उसको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे उसकी जो क्लास जो मिस हुई है उसको वो रिकवर कर सके। कुछ और क्वेरीज जो जनरली पेरेंट्स पूछते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे एक क्लासरूम में स्ट्रेंथ कितनी होती है, कितने बच्चों को आप क्लासरूम में बैठाते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये जो बच्चों की स्ट्रेंथ होती है लगभग कुछ 100-110 के आसपास मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, और ये बहुत कंफर्टेबली बहुत आसानी से बच्चे बैठ जाते हैं, ताकि टीचर्स भी जो है बहुत अच्छे से इनके साथ में आई कॉन्टेक्ट बना सके और बच्चों के जो भी डाउट्स हैं वो प्रॉपरली क्लियर करता हुआ चले। दूसरी चीज, कई बार बच्चे पूछते हैं या पेरेंट्स के भी मन में कई बार क्वेरीज होती हैं कि अगर क्लास में किसी वजह से कुछ बच्चे को अगर समझ नहीं आया, तो कुछ डाउट हो गया, तो उसको किस तरीके से उसको क्लियर करना है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, वैसे तो क्या होता है जो टीचर है क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो क्लास के दौरान वो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ इंडिविजुअल डाउट बच्चे को ऐसा रह गया, तो उस केस में क्या होता है कि टीचर जो होता है उसको एक्स्ट्रा टाइम दे देता है। एक्स्ट्रा इन द सेंस कि पहली चीज तो जैसे क्लास ओवर होती है उसके बाद आप जो 15-20 मिनट का गैप होता है, उस गैप में भी टीचर खड़े होकर कंप्लीटली उसको डाउट्स बता रहा होता है स्टूडेंट्स को, मैंने देखा है इस चीज को। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे क्या होता है डाउट रूम्स होते हैं,
एंड इन डाउट रूम्स में हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। यानी जब बच्चे को कोई डाउट आ गया तो उस बच्चे को और स्पेसिफिक अपने क्लास के टीचर से अपने डाउट को क्लियर करना है तो टीचर से टाइम ले लेता है कि सर मुझे डाउट्स हैं और मैं इस समय यहाँ पे डाउट रूम में आऊंगा और आप अवेलेबल हो जाओगे। तो टीचर भी अपने अकॉर्डिंग जो है उसको टाइम बता दे, हाँ आप इस समय आ जाओगे तो सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो वाइब्रेंट अकेडमी के साथ में एक बेनिफिट ये है कि जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है बच्चों को उसी से डाउट क्लियर करने का मौका भी मिल जाता है। और कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई एडमिशन तो हो रहा है तो एडमिशन के साथ में आप देते क्या क्या हो बच्चों को। तो बच्चों को देने के लिए सबसे पहले तो बच्चों को हम एक वेलकम किट देते हैं। उस वेलकम किट में एक स्टूडेंट बैग होता है, अम्ब्रेला होता है, उसको वाइब्रेंट की टी शर्ट दी जाती है ना। एक क्वेरी पेरेंट्स की ये आती है कि बच्चा अगर एब्सेंट हो जाता है तो आप क्या करते हो। तो हम आपको बता देते हैं कि बच्चा जब वाइब्रेंट में आता है तो यहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, आई कार्ड देते हैं, है ना। मैग्नेटिक चिप होती है, एक कार्ड होता है। जब बच्चा वाइब्रेंट में प्रिमाइसेस में एंटर होता है तो उसको वो कार्ड पंच करना होता है। तो जैसा बच्चा आई कार्ड पंच करता है तो उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाती है। तो हम पेरेंट्स को बच्चे की अटेंडेंस जो है वो उसको अगर किसी वजह से बच्चा एब्सेंट है तो हम पेरेंट्स को मैसेज के थ्रू उसको कम्युनिकेट करते हैं। साथ साथ बच्चे की जो अटेंडेंस है उसको हम वाइब्रेंट की जो वेबसाइट है उस पर भी प्रोवाइड करते हैं ताकि पेरेंट्स को अगर कहीं पे देखना हो कि कभी बच्चा हमारा एब्सेंट था या नहीं था या कोई प्रॉब्लम हो तो वो अटेंडेंस को वहां से देख सकते हैं। ओके उसके अलावा कई पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई क्लासेस तो कर रहा है, अब जब 12th में जा रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं तो आप प्रैक्टिकल्स कैसे कराओगे। तो पेरेंट्स की जानकारी के हम बता दें कि हमारे पास में प्रैक्टिकल लैब भी है जहाँ पे हम बच्चों को प्रैक्टिकल्स जब इनके 12th जरूरी क्या है, बच्चे 12th क्लास में प्रैक्टिकल्स करते हैं तो जब ये 12th में होते हैं तो इनको हम प्रैक्टिकल्स भी अलग से अरेंज करा देते हैं। साथ साथ बच्चों को जो है हम काउंसलिंग है ना कि जैसे बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है ना, जब बच्चा जेई की तैयारी करने के साथ में उसको जब फॉर्म फिलिंग का समय आएगा तो उसको कौन से कॉलेज भरने हैं, IIT, NITs, IIITs, GFTIs, BETs, देयर आर सो मेनी कॉलेजेस। जब बच्चा हमारे पास में रहता है तो उसको हम ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, कॉलेज के बारे में भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको काउंसलिंग के दौरान हम बताते हैं। साथ साथ पढ़ने के दौरान अगर उसको परेशानी हो रही होती है किसी तरीके की, मेंटल काउंसलिंग की भी आवश्यकता है। कई बार क्या होता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चा पढ़ने के दौरान उसको लगता है कि यार मैं पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, है तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है तो हमारे पास में उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए हमारे पास में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। उसके अलावा एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं जो आपको टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहेंगे। क्लास के साथ साथ बच्चे को और क्या प्रोवाइड किया जाता है वाइब्रेंट एकेडमी में, जब हमारे पास में बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है यानी 11th क्लास में जब बच्चा हमारे पास में आ रहा है तो क्लास करने के साथ में हम जब उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम उसको अलग अलग लेवल की शीट्स भी दे रहे होते हैं। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, जेई मेन्स के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज, जेई एडवांस के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वाइब्रेंट अकेडमी के बुक्स के क्वेश्चन। जो वाइब्रेंट अकेडमी के डायरेक्टर्स हैं उनकी खुद की बुक्स चलती हैं, दे आर वेरी रिनोन्ड ऑथर, तो उनकी खुद की बुक्स चलती है तो उनकी बुक से क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी जो यहाँ पे बच्चों को इस कोर्स के दौरान प्रोवाइड की जाएगी। फैसिलिटीज की बात आ जाती है तो फैसिलिटीज में हमारे पास में वो सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। यानी अच्छा वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है, अच्छा साफ सुथरा पानी आता है, AC क्लासरूम से हमने आपको बता दिया। बच्चे को बैठ के अगर पढ़ना है तो उसके लिए भी अरेंजमेंट होता है हमारे पास से, प्रैक्टिकल लैब भी होते हैं हमारे पास पे, है ना। कैफेटेरिया में कैंटीन वगैरह भी बच्चों के लिए अरेंज करा दी जाती है जहाँ पे बच्चों को स्नैक्स वगैरह कुछ चाहिए तो वो भी सारी की सारी चीज़ें उसको मिल जाती है। साथ साथ प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा हुआ है, सारे क्लासरूम्स में कैमरे लगे हुए हैं, सारे प्रिमाइसेस में कैमरे लगे हुए हैं हमारे पास में। जो सिक्योरिटी सर्विस जो हमने ले रखी है उसके लोग भी पूरे टाइम कंप्लीटली एक्टिव रहते हैं। तो इस तरीके की फैसिलिटीज भी बच्चे को यहाँ पर मिलेगी जब बच्चा हमारे पास में आता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई अब हम कोटा तक तो आ गए हैं, अब कैसे पहुँचना है हमें। तो जैसे ही आप कोटा पहुँचते हो
कोटा पहुंच के आपको, जैसे आप स्टेशन पर उतरे या बस स्टैंड पर उतरे, तो आपको वाइब्रेंट एकेडमी आने के लिए आपको इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया बोलना है कि मुझे वाइब्रेंट एकेडमी जाना है, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया। वाइब्रेंट एकेडमी रोड नंबर 2 पे इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया में है, प्लॉट नंबर B41। और आप बहुत आसानी से, आप जो भी ऑटो ले रहे हो, टेम्पो ले रहे हो, या आपने ओला बुक किया, आप उसको बताओगे तो बहुत ईजिली जो है आपको वो लेकर हमारे पास में आ जाएगा। बट एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिएगा, जो मैं जनरली, हमने, मेरा जो लास्ट वीडियो था मैंने उसमें ही बोला था कि जब आप कोटा पहुंचते हैं तो कोटा पहुंचने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो एडवाइस लेनी है वो सिर्फ एक एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी है। आप जैसे ही आप स्टेशन से उतरोगे, कई बार क्या होता है बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, टेम्पो वाला, हॉस्टल वाला, या कोई आते जाते लोग आपको मिल जाएंगे, वो आपको जो है, आप पूछोगे कुछ उसको, आपको बताएंगे कुछ और, है ना। तो आपको एक बहुत ध्यान से अपने विवेक का इस्तेमाल करके, आप जहां के लिए आप आ रहे हो वहां के लिए आप जाओ, उस इंस्टीट्यूट में जाकर प्रॉपर बात करो, ठीक है। यानी जिस भी इंस्टीट्यूट में आप आ रहे हो तो उस इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली जाओ और वहां पर जाकर आप बात करो उनसे, वहां के सिस्टम के बारे में समझो, वहां के रिजल्ट के बारे में जाने, है ना, वहां का जो सिलेक्शन रेशियो है उसके बारे में जाने, है ना, तब जाके आपको एक आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें माइक्रो कोर्स के बारे में मुझे बतानी थी आपको। तो यू ऑल आर वेलकम। हमारा जो कोर्स है 10th-11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 1st of June से आ रहा है, तो आप सभी उस कोर्स को, जो बच्चे 10th-11th में आ रहे हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।